अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। नहीं बोल रही। ये कोई है जिनके है कीड़ा और जो धम 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 करे जा रहे हैं, हमारी नींद खराब करता है। अलार्म बन गया हमारा, सॉरी अलार्म बन गया हमारा। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। So guys, कैसे हो आप लोग? Guys, मेरी बात सुनो, मैं घर के देखो मेन गेट पर आ गया हूँ। तो सीन ये है कि भाई मैंने जरनाब के लिए सरप्राइज प्लान करा है बहुत मजे का। वो ये है कि पहले मैंने जरनाब को कहा है कि हम जा रहे हैं लाहौर, साले तुम शोर कर लो, बहुत शोर था तो मैं अंदर आ गया हूँ। गाइज, मैंने जरनाब के लिए सरप्राइज ये प्लान किया है कि मैं जरनाब को लेके जा रहा हूँ बाकू विद जुल्कर नैन एंड कवल भाभी। तो ये वो लोग भी जा रहे थे तो मैंने कहा कि क्यों ना जरनाब को सरप्राइज़ दे दिया जाए। एंड मोमेंट सारी चीज़ें कंफर्मेशन हुई हैं तो जरनाब को मैं यहाँ से अभी लाहौर लेके जा रहा हूँ, फिर लाहौर से वाया अजरबैजान एयरलाइन हम जाएंगे। पर जरनाब को ये पता है कि हम लाहौर सिर्फ काम से जा रहे हैं। मैंने उसको बोला है कि हम इस्लामाबाद टूर पर जा रहे हैं और उससे आगे जाएंगे तो सर्दियों वाले कपड़े रख लो, बहुत ठंड होने वाली है। और अल्लाह की कसम ना जरनाब के पास कपड़े ना मेरे पास कपड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की थी। और आज मेरी कज़न की बारात है अभी दोपहर में और हमें फटाफट वहाँ जाना है। हमने वहाँ से भाग के निकलना है क्योंकि 10:45 पर हमें निकल जाना है। और सबसे थ्रिलिंग चीज़ मैंने ये की है जिसमें मैं भी थकने वाला हूँ, जरनाब भी थकने वाली, वो ये कि हमें कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी और ट्रेन भी अवेलेबल नहीं थी। मैंने बोला अब क्या करें, गाड़ी में जाएँ क्या करें, तो मैंने फिर प्लान आउट करा क्योंकि 18 तारीख को हमने चले जाना सुबह सुबह। मैंने बुकिंग करा ली बस में, जिसमें हमारे जैजी भाई ने टिकट्स रात को 3 बजे जाके मेरी कराई थी। लाली भाई बिल्कुल सीट्स मिल गई हैं आगे की, तो मैं क्योंकि बस में सफ़र नहीं कर पाता बड़ी मुश्किल से जाऊंगा, दुआ करो खैर से पहुंच जाएं। तो ये थ्रिलिंग एडवेंचर मैंने करा है क्योंकि मैं चाहता हूं अपनी बेगम को सरप्राइज़ करूं, तो कोई भी हर्डल है वो पूरे करने हैं और हमें जाना है इंशाल्लाह ताला। और मैंने सुना है कि बाकू में भाई 1 डिग्री और रात को -1-2 डिग्री तक मौसम जा रहा है। अबे तू यहाँ आ गया, मैं उधर से यहाँ आया हूँ, क्या कर रहा है भाई? बहुत ठंड होने वाली है, पैक होने वाली ठंड से, मगर हम इंशाल्लाह जाएंगे और आई होप बेगम को अच्छा लगेगा। अभी अभी जो है ना मुझे टिकट्स आ गई हैं और कन्फर्म हो गया कि हम जा रहे हैं, तो मेरी बेगम को कई दफ़ा मैं लेके जाऊँगा बाहर टेंट में। अब उसको पता नहीं, वो सड़ी भी मुझसे बोल रही लाली अब शादी में भी जानी कपड़े कैसे लेंगे क्या करेंगे। मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, मगर अब क्या करें, शादी में तो जाना भी ज़रूरी है और कपड़े भी लेना ज़रूरी है, तो हमें सब मैनेज करना है। और मैंने तो थोड़ी सी बेड और बाल भी कटवाने हैं, पता नहीं मैं कैसे करूँगा, जरनाब कैसे करेगी। उससे पहले मैंने बहुत गलती कर दी, चलो शुरू करते हैं आज का दिन। तो मेरी बेगम भी हो गई है तैयार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ब्लश और टिंट लगाया। ठीक है जल्दी से तैयार हो जाए, मैं फटाफट से नाजिब भाई से लेके आ रहा हूँ कोट और आपको पिक कर रहा हूँ, फिर मम्मी को पिक करेंगे, फिर हम जाएंगे शादी में, फिर आकर शॉपिंग करनी है, फटाफट से अपने कपड़े लेने, मैंने भी अपने कपड़े लेने, उसके बाद हमें जाना है इस्लामाबाद, पहले लाहौर फिर इस्लामाबाद, पहले लाहौर फिर इस्लामाबाद। अरे मुन्नी हमें घूमने जाएंगे। अच्छा जी, तो रेडी हो गए हैं, बस जा रहे हैं। रेडी इसलिए भी ज़्यादा नहीं हुई, एक तो मैं नहीं होती पता ही है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा मार्केट निकलना है तो मैं बस ये ज्वेलरी उतारूंगी और बस फटाफट से मार्केट जाएंगे कुछ सामान लेना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे मियाँ ने मुझे बताया ही नहीं था कि कहीं जाना है। अरे भाई, हमें लाहौर इस्लामाबाद का ट्रिप था, प्लान था बिल्कुल पूरा, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने एंड टाइम पे सारी कन्फर्मेशन दी, तो मैंने जरनाब को बोला कि वहाँ ठंड ज़्यादा है तो आपको, क्योंकि ठंड बहुत लगती है, 60 डिग्री 5 डिग्री तक मौसम जा रहा है, तो आप अपने सारे कपड़े फटाफट से ले लें। मैंने भी कुछ नहीं लिया यार, मैं भी पहनूंगा कुछ ना कुछ। यार लड़कों का मसला नहीं होता, वो कुछ भी पहन सकते हैं। आई हैव टू लुक गुड, एक्सक्यूज मी, आई एम एन इन्फ्लुएंसर एज वेल एंड यू नो दैट अपनी बहन को लेके जाऊंगी और हम शॉपिंग करेंगे सस्ती एंड टिकाऊ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड होती नहीं है और यहाँ पे इतने मोटे कपड़े पहने नहीं जाते। मैंने एक दफा और प्लान था जाने का, तो मैंने इतने महंगे इतने मोटे मोटे कोट लिए और फिर हम नहीं गए और वो कोट पड़े पड़े बुस गए। अब मेरा वो पहनने का दिल नहीं चाह रहा, हालांकि मेरे पास है, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो मैं नहीं पहनूंगी, मैं न्यू लूंगी, मेरी शादी हो गई ना, मैं न्यू चीजें लूंगी, मैं न्यू। और सबसे शादी करने का यही तो बहुत है, शुरू शुरू में नई नई चीजें मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, बस साथ में जो भाई सबसे ज्यादा मसला ये कि मुझे तो कल रात को जब शादा शिकर गए तब दावत पे याद आया कि अभी मेरे पास सूटकेस ही नहीं है, उससे मांग लिया मैंने। और मेरे पास सूटकेस है क्योंकि मुझे मेरी सासू माँ, मुझे बोलती मैं नहीं दूंगी, मुझे मेरी सासू माँ ने बहुत अच्छे सूटकेस दिए हैं और मेरे पास हैं, लेकिन मैंने लाइफ को ये बोला है कि मैं उनमें सामान लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं, यू आर नॉट अलाउड टू टच देम बिकॉज वो मेरे हैं और वो मुझे मेरी सासू माँ ने दिए हैं। सही है, हमारे घर के बच्चे जनाब के रोज बन रहे हैं और ये आपका स्मार्ट बच्चे है।
जी हम अब आपसे ज्यादा इनके हैं। सूते लो फ्रॉम बाटा मम्मी टाटा। आज शाहताज जो है वो हमारी सेवियर बनी हुई है। शाहताज को मैंने बोला है कि शॉल ले आना, मैं बस ज्वेलरी वगैरह उतार के ऊपर शॉल लेके चलूंगी, बाल क्यों नहीं टिक रहे। और फिर भूख इतनी लग रही है क्योंकि अभी शादी में हम बस आए हैं और हमने सिर्फ सबसे मुलाकात की, अपनी शक्ल दिखाई और हम वापस निकल गए, क्योंकि हमने अभी चीजें लेनी है, फिर पैक करनी है, फिर निकलना है। तो शाहताज को मैंने बोला कि खाने के लिए भी कुछ ले आना, और शाहताज कह रही टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा, मैं लेकर आ रही हूँ, रिलैक्स। और इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है इनके चेहरे पे, शिकन नहीं है। मुझे पता है मेरी शक्ल पैनिक आएगा तो जनाब को ज्यादा ही पैनिक हो जाएगी, इसलिए मैं चुपचाप चल रहा हूँ, आपसे अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सीरियस टॉक्स होगी गाइस। ये आ गया मेरा खाना जो मैं ही खाऊंगी, और मजा मुझे इससे ज्यादा ये देख के आया कि रायता था। और ये शाहताज मेरे लिए शॉल लेकर आई है, और शाहताज खुद बैठी हुई है, वो खराब है, इतना नजला हो रहा है, मुझे आवाज से लग रहा था पता। और ये लारिब का बैग, आज मुझे मेरी मम्मा शॉपिंग करा रही हैं। शाहताज ने कहा मैं शॉपिंग कराऊंगी अपनी बहन को। जो लेने आए थे वो यहाँ से मिला ही नहीं क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो कह रहे हैं लाहौर के आउटलेट पे अवेलेबल है, तो बस अब फिर वहाँ जाएंगे तो फिर वहीं से ले लूंगी, फिर टाइम तो जाया करना है। चुचू पानी लेके आते हुए शाहताज के घर आए हम गाई सामान लेने। सुगड़ बेटा हमारा बेगम जो है वो शाहताज के साथ चले गई है, मैं इलियास गया फटाफट थोड़ी सी बियर्ड फ्रेश करवाई, और बस अब मैं जा रहा हूँ कपड़े अपने उठाऊंगा फटाफट, कुछ ना कुछ तो कपड़े चाहिए। बैग टुडे स्पॉन्सर्ड बाय शाहताज। अच्छा भाई तो मजे का सीन बताता हूँ कि जरनाब के साथ मैंने प्रैंक किया, जरनाब को मैंने कहा कि हम बस में लाहौर घूमने जा रहे हैं, लाहौर से आके इस्लामाबाद करा लेंगे, और टिकट्स नहीं मिल रही है वो, तो जरनाब को बस में थोड़ा सा ना कराएंगे, जरनाब थोड़ा ही कर रही है बस में जा रहे हैं ये वो। माजुल का नैन भाई और कवल भाभी इज वेरी एक्साइटेड, मजा आएगा, लेट्स सी कैसे जाता है सफर इंशाल्लाह। अभी तो पहले फॉरन कपड़े देते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। भाई जैदी साहब के पास जो है वो टिकट्स हैं, जैदी भाई को मैं कॉन्टैक्ट करूँ कि भाई मुझे टिकट तो दे दो झूला। मेरे दोस्त का नाम है जॉन और हम खरीद रहे हैं कॉइन, थोड़े से कपड़े लिए, समझ में नहीं आ रहा क्या लिया है, बस ले लिया। जरनाब की शॉपिंग पूरी हो गई, शाहताज ने पूरी पूरी शॉपिंग करा दी है जरनाब की, मगर मेरा कुछ भी रेडी नहीं है गाइस, सब छोड़ने के लिए आ गए हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, जरनाब को बोला है कि हम लाहौर जा रहे हैं इसमें, तो जरनाब जो है वो इस तरह हुई है कि यार ये तो लाहौर लेके जा रहे हैं। रात के 3 बज रहे हैं और हमें जो है वो मिला है छोटा सैंडविच और ड्राई फ्रूट, ऐसा ही है, छोड़ जाए। और आपको ठंड लग रही है? बस नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड। बस का सफ़र कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा। अब जहाज में ले आ नहीं सकता मैं आपको, ये बस सही नहीं है, बहुत भूख लगी है, यहाँ पे लोग डांड डांड के नाश्ता करवा रहे हैं। हाँ भाई मज़ा आ रहा है। कहाँ चल रहे हैं गाइस? अभी हम लोग हैं 6 घंटा दूर लाहौर से, है ना, अभी भी 6 घंटा दूर है। जैसे ही हम सोने लगते हैं कोई स्टॉप आ जाता है, जैसे ही आंख लगती रहती है स्टॉप आ गया, और डांट डांट के नाश्ता कराते हैं यहाँ लोग, जैसे जरनाब मुझे डांटती रहती 24 घंटे। मैं कैसे सोया हुआ था बस में, भूत बन के सो रही है, तो बस हम अपन भी सोते हैं। गुल को सरप्राइज़ देने की चक्कर में जो मैंने लकड़ी ले ली है ना उड़ता हुआ, कि बस में इसको करते हैं तो ये बोलेगी कि मैं तो उकता जाऊंगी, मैं उकता गया हूँ, बम का पापड़ हो गया, मगर जो है ना लाहौर नहीं आ रहा है भाई। इंटरनेशनल बुखड़, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, सही है, जल्दी खाएं। बेगम ऐसे रोड ट्रिप तो मज़ा आ रहा होगा आपको, ऐसे क्या जहाज़ में लेके जाऊँ घुमाने में, ना बस में लेके चलता हूँ घुमाने। मुझे तो पसंद ही रोड ट्रैवल्स। यहाँ पर जो है ना एक लोकल रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैंने 5 पीस विंग्स ऑर्डर करे, वैसे मैं 10 बोल रहा था, पर जरनाब ने कहा 5 कर लें, अगर अब 5 अच्छे हुए तो मैं खाऊंगा, और अगर 5 फारिग हुए तो जरनाब खाएंगी। और मैंने करा है बर्गर ऑर्डर, वो मैं खाऊंगा, और आधा जरनाब, क्योंकि ये रहे भाई हमारे घूमने फिरने के बैग्स, जिसके लिए जरनाब ने ठंड वाले कपड़े रख लिए हैं। आई विल बी गोइंग टुमारो टू इस्लामाबाद एंड देन फिर ऊपर टॉप 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 टॉप, जितने ऊपर जाते रहेंगे ठंड बढ़ती रहेगी। जरनाब को अभी से लग रही है ठंड, और जरना आपको लग रही है, आपके लिए खसूसी राइडर बुलाया हमने, वो ये रहा कब से बोल रहा हूँ, करीम वाला आ रहा है, करीम वाला आ रहा है। बहुत अच्छी होगी किसी ना किसी की ताई, हमें कवल भाभी लेने हैं। सारी शोर सारी वापस आ रही है, इन लोगों ने ज्यादा दिमाग खराब कर दिया था मेरा, इनके चक्कर में ही तबीयत खराब थी गाइस, तबीयत खराब थी यार, ये बस ने बहुत लेट किया, हराम हम पे शराब है, तबीयत हमारी खराब है या छुप रहे छुप रहे छुप रहे, चिकना बन के आने की कोशिश नहीं करो, समझ आई? कैसे हो प्यारे, पाकिस्तान के तैयार है, प्यारे लग रहे हो, फ्लैश खोलते हैं अभी ही लग रहे,
अभी नहीं लग रहे। कितने प्यारे लग रहे हो जुल्कर, तू गुस्से में क्यों आज? गाइस ये ना लड़कों का इधर 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 ये लड़कों का ना मसला है। कमल ने भी कल जाना है, इसने भी कोई आईब्रोज वगैरह नहीं बनवाया, मैंने भी नहीं बनवाए। कल लारे भी सलोन, आज भाई भी सलोन जाकर टशन मशन करा के आए। पता नहीं वहाँ मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरे बाल ही नहीं कटे हुए। लड़कियां पसंद करती हैं, बाल नहीं कटे हुए थे, नहीं कटे हुए हम आए हैं प्यारी इजल के घर। कितना प्यारा कलर पहन के शहजादी बन के बैठी हैं। लिफ्टे अपनी तरफ तुम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है। हमारे शोरों ने पकड़ लिया तुम्हारे शोर को और कुत्ते में डाल रहे हैं। कसम से मेरे मियाँ को तंग कर रहे हैं आते ही। डरा रहे इससे, डरा रहे करा दी बेइज्जती यहाँ पे भी मेरी करा दी बेइज्जती। बस कुड़िये तुम सही नहीं, ये इधर आके तो मेरी इसने भी बेइज्जती करा दी। यहाँ लारे भाई की बेइज्जती हो जाती है। खुश हो रहे, खुश होने अच्छा खुश हो रहे। माज ने अब माज खुद डर रहा है, पहले माज ने मुझे डराया, मेरी बेगम मुझे बचाने के लिए डर के बावजूद। ऐसे नहीं। भाभी ने प्लान किया, आप तीनों को छोड़ के एक दो कुत्ते और एक शेर किस कमरे में छोड़ के हम भाग जाएंगे। हाँ जी, गर्मा गर्म बनी है बिरयानी। Oh my God. आगे बोलो, oh my God, छोड़ो, आगे बताओ। बुढ़ियों को मेरी नानी बन गई है बिरयानी। आपके जाने से कहीं भी लग जाती है भगदड़। कितने प्यारे हो माँ सफदर। अरे ये फंके बशीर हो जाए कोई। जरनाब मेरे दिल का ले गई चैन। ये ब्राउन कलर के क्यों है फैन? अब ये फानूस पे हो जाए कुछ। जब बदतमीजी करो अम्मी कहती है मनूस। ये लगा है फानूस। दुलकर नैन भाई, कवल भाभी, माज भाई, सबा भाभी, जरनाब, हमारे पास आपके लिए एक न्यूज है जरनाब। वो ये है के तो भाई जरनाब आपके लिए सरप्राइज ये है कि आप कल जा रही हैं। सालो तुम लोगों ने बोलना था बाकू। हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हम कल बाकू जा रहे हैं। डेंटर है सुन पेटी। सच में? हाँ कसम से। तो फिर आप इनके पास क्यों आते हैं? वरना अगर बस ये बोला बहुत ठंडा माइनस वन बस ये अच्छा नहीं मतलब इस्लामाबाद सारे जा रहे हैं। अरे गुड यार ठीक है मजे आएंगे इनके तो। हम सबको पता था जनाब को छोड़ के मेरी मम्मा आज मुझे बोल रही थी कि कहाँ लेके जा रहे हैं लारे तुम्हें, हमें तो बताओ कहाँ लेके जा रहे हो हमारी बच्ची को। मुझे नहीं पता। जिंदगी भर आप डॉक्टर हैं, आपको लगानी पड़ेगी पेशेंटों को ड्रिप। मुबारक हो आपका पहला इंटरनेशनल। हाँ जी तो फिर आप तैयार हैं? जी माइनस वन डिग्री। कितने सोए थे ऊपर हम लोग? कब गए? मैक्सिमम 60 डिग्री। ना आपके पास कपड़े में और कपड़े भी नहीं है। इस तरह वाले नहीं है, इतने छोटी वाले। फ्रेश तो हो गया ना उसके बाद। अभी खेलना कूदना है बस। जरनाब को पसंद है फ्रूट बेर, इसीलिए घर में आ रहा है एक शेर। सालो शेर आ रहा था ना घर में। पता तो शेर और बेर मैच नहीं हो रहा ना। बेर शेर थोड़ा है जना। आप तो कहीं मेरी बेइज्जती करो ना। अरे भाई साहब नीचे दवादारी वो आ गया। को चमलो को अल्लाह की कसम। लंबी कह रहे बताता हूँ अभी जो है भाई मुझे तो कुछ कपड़े लेने हैं। भाभी मुझे बोल रही है कि भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, आप लेना बाकू से कपड़े क्योंकि आपको पता है मैं सेठ हूँ। अभी मैच है, मैं जुल्कर नैन के साथ जा रहा हूँ अपने लिए कुछ रेगुलर क्लोथ्स लेने के लिए। उसके बाद जो है घर में शेर आ रहा है। और क्या आ रहा है? शेर और क्या मंगाया? शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। उससे मिलेंगे खेलेंगे, मगर मुझे इस कुत्ते से पहले बचना है। कुत्ता इज वेरी डेंजरस। अरे कोको शट अप मैन, कोको को रोको प्लीज। चले चल, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। एजल नहीं 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 क्या डॉगी तंग कर रहा है मुझे, मुझे जाना है। जब भी मुझसे पढ़ाई ना हो मेरी अम्मा मुझे कूटे। कहाँ से मिलेंगे जूते? जूते
दिखाने भाई आज है क्रिकेट का मैच, जुल्कान भाई ने बोला कि आओ तुम लोग क्रिकेट खेलो। माज भाई रेडी बैठे हैं, वो घर पे हैं, हम आए यहाँ पे कपड़े लेने के लिए। बाकी भाई ने मुझे बोला कि अगर तुम बाकू के लिए कपड़े नहीं लेके आए तो कोई मसला वाली बात नहीं, वहीं जाके ले लेना। नहीं मैंने ये भी कहा है कि मेरे पहन लेना। हाँ सच्ची आई शपथ। जो बेगम ने कहा था कि लाली अगर फीमेल्स में कुछ कपड़े हों तो मेरे लिए वो ले लीजिएगा, रेड कलर के ग्लव्स, पर ग्लव्स यहाँ पर है नहीं भाई। ये मैं बताता चलूं कि ये तुमने फीमेल वाला पहन लिया। मैंने बेगम को बताना कैसा लग रहा है। जी बेगम बता दें कैसा लग रहा है ये बंदा। लारे बेचारा अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए भी कुछ खरीदने आया था तो उन्होंने कहा है कि अभी पहन कर दिखाओ। हाँ अच्छी लग रही है, ये ले लो। मीडियम लार्ज, मीडियम 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 ले लो भाई। भाभी के जो है ना वो हमने ले लिए टी शर्ट, जरनाब के ले ली जैकेट, और मेरी आ रही है टी शर्ट। जुल्कारनैन भाई जो है ना उनको जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की, उनके पास सब चीज़ें कंप्लीट हैं। वो बहुत होशियार चल रहे हैं, बहुत होशियार, बहुत होशियार। गौर से देखिए साथ में को भाई लेके आ रहे हैं शेर का बच्चा। जनाब शेर ने पॉटी कर दी जैसे ही घर में लेकर आए। इधर आए शेर है ना, ये रहेगा सब। अब भाभी कैसे देख रही है सन्नाटे। अबे मास को देख के उसकी पॉटी निकल गई। ऊपर करो उसको, सिम्बा उसको चोट लगी हुई सर पे। अरे बेचारे को चोट लगी हुई है। सभा भाभी तो किसी से डरती ही नहीं, सभा को डर लगता किसी से। बेटा सो रहा है, क्या हो गया? मेरे जानवर सारे मुझे बहुत, मेरे बच्चों की तरह लगते हैं छोटे छोटे। ये शेर कुत्ते का पंडा चला WWE। मैं ये भी पहली बार देखी है मैंने शेर कुत्ते की फाइट अपनी जिंदगी में। मैंने पहली बार शेर ही देखा। उसकी हिम्मत चेक करो, शेर से लड़ रहा है। ये रहा शेर का बच्चा और ये रही शेर की बच्ची जो डर नहीं रही उससे। नारेब को डरा रही, छोड़ना मेरे मियाँ को तंग करो यार। मियाँ की चमची बहुत शुक्रिया ये नेक काम करने का। वो कोको के कजन यार, ये सारी चीजें एक तरफ, मगर इसने जो दहशत बना के रखी हुई है ना मेरे साथ वो अलग। अबे देखो तो शेर की शक्ल में कुत्ता, 20 रुपए का सुट्टा। इससे पहले तूने क्या बोला था, किसकी शक्ल में? माज भाई देख रहे हो, शक्लें देखो सबकी, फिर हमें देखो। सारे बड़े बड़े लड़के हैं यार, मैच के लिए नई 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 शर्ट और नई शर्ट। द एम्पायर क्रॉस किया जुल्कारनैन के पास से बॉल निकल गई, जहाज गया। मैंने एक बॉल खेली, पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे आउट। माज ने 500 बॉलें खेली 5 ओवर के मैच में। बॉलर की लाइन अच्छी पकड़ी हुई है, बॉलर का पेस बहुत। हमारा बैट्समैन अभी गर्म हो रहा है, वो लोग 15-20 मिनट से खेल रहे थे, हम अभी आए। देखो ये तुम्हें पता और मुझे पता है कि हमारी टीम 18 रन की है, उनको नहीं पता, तो ये 38 बना के आने, ये तुम्हें 6 गुना लगान भरना पड़ेगा। मगर इस वाले मैच में जुल्कारनैन ने जान मार दी। कितने छे मारे इसमें तुमने? बाउंड्री दादा मारी, दो छक्के एक चौका। गाइस फॉग का आलम देख रहे हो, क्या मजे के एकदम जमीनी बादल बने हुए, सही दबा कर। मौसम इज वेरी ऑसम, हलाल सुट्टे, मगर है शहर की रसोई। लग रहा है यार, आपको भूख लगी? ड्रीम प्लेस लगती है मुझे, पता है। हाँ ये तो है, जब आप रात को ऐसा देखो ना, हरियाली हरियाली हो, ऐसा सन्नाटा हो, फॉगी हो रहा हो, फॉगी वेदर हो तो मजे का लगता है। मगर ये अभी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है सबकी। हाँ तो बोलो धुएं बाहर निकाल दो उसे। हालात के नहीं निकल रहा, ये यही रहता है। सो मेरी प्यारी सी बेगम को सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब इसमें अच्छा लगने की बात नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपके लिए कितने सरप्राइज और वेट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ के लिए कमर कस के रखें कि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस और आने वाले हैं। आपके बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, तो ये आपका पहला है, अभी आप रुक जाएं तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सब आएगा इंशाल्लाह। चलें, आई लव यू, आई लव यू मोर, आई लव यू। इसी के साथ ना बहुत ख्याल रखो और हमें दुआ में याद रखो, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। ये था सरनाब का सरप्राइज, लाली आउट, लाली की बेगम भी आउट। ओके द बाय।